कहा भगवान वर्णन करे। ऋषियों ने कहा सुनो सुगंधा, ये 16 सोमवार का व्रत कोई साधारण नहीं है। सुगंधा, संतान की प्राप्ति के लिए अगर 16 सोमवार का व्रत उठाया जाता है तो श्रावण के पहले सोमवार से उठाया जाता है। कब से उठाना चाहिए? श्रावण का पहला सोमवार। सुनो सुगंधा, यदि कोई विशेष बीमारी हो गई, बहुत रोग हो गया, तकलीफों में जिंदगी चल रही हो, बहुत कष्टप्रद जीवन चल रहा, तो बैसाख के महीने के पहले सोमवार से 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। और सुनो सुगंधा, उत्तम वर, उत्तम घर, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, पद, प्रतिष्ठा के लिए अगर हमें व्रत करना है तो मार्गशीर्ष मास का पहला सोमवार से इस व्रत को प्रारंभ कर देना चाहिए। मार्गशीर्ष मास का पहला जो सोमवार हो उसमें इस व्रत को प्रारंभ कर लो। और सुनो सुगंधा, ये व्रत दोपहर के तीसरा जो पहर हो, प्रदोष काल, उस प्रदोष काल के समय पर आप बनाकर या मलिदा बनाकर जो भी आप बना रहे हैं उससे 3 हिस्से प्रसाद के इस 16 सोमवार के व्रत में भी होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। पशुपति व्रत में 16 सोमवार के व्रत में 1 अंतरभारी है। पशुपति व्रत में 2 हिस्से मंदिर में रह जाते हैं, 1 हिस्सा अपने साथ आता है और स्वयं को खाना पड़ता है। पर 16 सोमवार के व्रत में यह भाव है, 1 हिस्सा भोलेनाथ का रहता है, दूसरा हिस्सा भक्तों के लिए, शिव भक्तों के लिए रहता है, और तीसरा हिस्सा आपके लिए रहता है। यदि पूरा ना पा सके तो दूसरे को भी आपके हिस्से का प्रसाद दे सकते। सुंदर प्रसंग, नरसिंह पुराण का आता एक बड़ा सुंदर प्रसंग आया। 16 सोमवार के प्रसाद को कई माताएं जब 16 सोमवार का उद्यापन करती हैं, 16 जोड़े आमंत्रित करती हैं और 16 जोड़ों को घर में बुलाकर जब भोजन कराती हैं, तो वो 16 जोड़े जो भोजन करने वाले होते हैं या 16 सोमवार के उद्यापन, हम तो आपसे यहाँ तक कहेंगे कि 16 सोमवार का उद्यापन अगर किसी के यहाँ मोहल्ले में, कॉलोनी में, घर में किसी के यहाँ हो रहा हो तो उसके यहाँ आप भोजन भंडारा खाने के लिए जाओ चाहे मत जाओ, पर 16 सोमवार का अगर प्रसाद का उद्यापन का अगर प्रसाद मिल जाए तो दोनों हथेलियां फैला कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर, ओम नमः शिवाय बोलकर, नमः शिवाय बोलकर, अपनी कामना कर किसी के अगर उद्यापन हुआ हो, दोनों हथेलियां फैलाकर उससे थोड़ा सा प्रसाद मांगकर उसी के दरवाजे पर खाकर आ जाइए, आपकी जिंदगी को सुख का अनुभव हो जाए। इस प्रसंग को जब आप शंकर भगवान को कोई सामग्री, कोई वस्तु, कोई चीज समर्पित करते हो, बहुत ध्यान देना महाराज, रात्रि होने से पहले तक वो देवताओं के कार्य का है, वो आप सबके कार्य का है, रात्रि होने पर वो गणों के कार्य का है। 16 सोमवार का प्रसाद, संकट सोमवार का प्रसाद, भगवान शंकर का प्रसाद रात्रि होने से पहले पा लिया जाता है।
आप लोगों ने जिन जिन ने 16 सोमवार करे होंगे, संकट सोमवार करे होंगे, उनको जब उन्होंने चूरमा बनाया होगा, बाटा सेक कर, रोटी सेक कर, उसमें गुड़ मिलाकर, शक्कर मिलाकर और घी मिलाकर जो मलीदा जो चूरा तैयार करा होगा, चूरमा बनाया होगा, उस चूरमे का नियम है कि संकट सोमवार का 16 सोमवार का जो प्रसाद होता है उसको उसी दिन रात्रि होने से पहले अर्थात मध्य रात्रि 12 बजे से पहले पहले उस चूरमे का प्रसाद आप क्या कोई भोजन करने आ रहा है संकट सोमवार के उद्यापन में, कोई 16 जोड़े आ रहा है उनको आप दे दीजिए, कोई आ रहा है उसको प्रदान कर दीजिए, पर उस प्रसाद को दूसरे दिन तक नहीं रखा जाता। और यही बात पहले भी कथा में कही कि शंकर भगवान के इस शिव महापुराण पर जो 6 दिन तक बेलपत्र चढ़ती है वो औषधि का काम करती है। तो जो बेलपत्र आपको कहीं से प्राप्त हो जाती है शिव पोथी की, शिव महापुराण में से कहीं से मिल जाती है, तो उस बेलपत्र को रात भर नहीं रखा जाता, उस बेलपत्र को रात से पहले शरीर कष्ट के लिए उसको चबा चबा कर खा लिया जाता है। और जो 7वें दिन की बेलपत्र होती है उस बेलपत्र को हमेशा के लिए अपने घर में, अपने पूंजी के स्थान पर, अपने पुण्यमय आनंद के स्थान पर, जहां वैभव धन संपदा रखते उस स्थान पर उसको लाल वस्त्र में रख दिया जाता है। कितना भाव है मारा, 6 दिवस की औषधि है सप्तम दिवेश का खजाना। शंकर पर चढ़ा हुआ प्रसाद, शिव को समर्पित कोई वस्तु है, शिव को चढ़ी हुई प्रसादी है, वो आपकी रखो, धारण करो। पर रात्रि होगी उस पे गणों का हक है, शंकर भगवान के गणों का हक क्यों हम ले? घंटा कर्ण बद्रीनाथ के उस मंदिर के पावन प्रांगण को अब छोड़ना नहीं चाहते। शंकर भगवान एक बार अगर नारायण भगवान के चरण पकड़ा देते हैं और नारायण भगवान एक बार शंकर भगवान के चरण पकड़ा देते हैं तो वो चरण फिर इतनी जल्दी छूट नहीं पाते, बड़ा मुश्किल है वो छूट। जब सारे संताप सब दुख हमारे जीवन से मिट जाता है तब हमें भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति का पथ दिखाई देने लगता है कि अब मेरे पास में भगवान ने सब दे दिया, अब मेरी गाड़ी भी हो गई, बंगला भी हो गया, जमीन भी हो गई, जायदाद भी हो गई, मेरा छोरा छोरी का ब्याह भी हो गया। अब जब बच्चों का ब्याह हो जाता है तो घर में क्या सोचते हैं माता पिता, अब मैंने सब कर लिया, अब तुम्हारा मन कर रहा है कि गंगा जल ही और खोल लूं। तो किसी ने पूछा गंगा जल ही नहीं खोली है, अभी तो रख रखी है, अभी मेरे बच्चों का सबका ब्याह क्या हो गया, अब मैं फ्री हो गई, एक बार भागवत करा लूं, शिवपुराण करा लूं, रामायण करवा लूं, ये करवा लूं। मतलब अब उसके मन में ये आ गया कि अब मुझे भक्ति का पथ पकड़ना है, अब मुझे सत्संग की ओर जाना है, अब मुझे भजन की ओर जाना है और भजन सत्संग की ओर ना करना।